हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास नाइन्थ का फिजिक्स ग्रेविटेशन। तो पीछे के दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं, अगर आप उसको देख करके नहीं आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख के आ जाओ, वरना शुरुआत करते हैं यहीं से। ग्रेविटेशन मीन्स आज की टॉपिक हमारी है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को पढ़ने से पहले अगर आप नोट्स लिखना चाहते हो तो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लो चाहे नोट कर लो, जल्दी से करो यह काम। तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट किया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, एक नया पार्ट और बेहद आसान पार्ट। अपने माइंड को रखना है आपको कंसंट्रेट और रखना है यहीं पे जब तक आप पढ़ाई करते हो, और ध्यान से देखो, सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं, सारे फार्मूले आपको समझ में आएंगे, सवाल लगाने आपको भरपूर तरीके से आएगा और सभी वजहों को जानोगे A to Z कि कैसे क्या होता है और कैसे क्यों नहीं होता है, क्या वास्तव में चीज़ है कि नहीं है, सब बातें जानेंगे। लेकिन आपको शुरुआत तो करना पड़ेगा, है ना। तो आज की टॉपिक है ग्रेविटेशन, यानी कि होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की खोज बच्चों करी थी न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन। और न्यूटन का नाम आप सुने हो, जब से फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तब से न्यूटन का ही नाम तो आ रहा है। तो न्यूटन साहब ने भौतिक विज्ञान में बहुत अहम योगदान दिया था, अतः न्यूटन साहब का नाम तो आना यहां पे तय है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन की खोज की थी न्यूटन साहब ने, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन साहब ने। कहानियाँ थोड़ी मोड़ी आपने सुनी होगी, जब न्यूटन साहब पेड़ के नीचे सोए थे तो एप्पल गिरा जमीन पे, तो न्यूटन ने सोचा यार कि यार एप्पल हवा में क्यों नहीं लटक गया, क्यों जमीन पे आया, सवाल खड़ा हो गया ना। वहीं से न्यूटन के साहब के दिमाग में एक सवाल उपजा और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और इतना काम कर डाला कि सब कुछ हमको बता दिया और बन गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या बन गया? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। जैसा कि आपने नोट्स में अपने लिखा होगा, न्यूटन ने बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, अगर मतलब हमारे पास दो पिंड हैं, देखो एक मान लो कोई एक वस्तु है दूसरी वस्तु है, अगर हमारे पास दो वस्तु है ठीक है ना, इनके बीच आकर्षण बल काम करता है, ध्यान देना, गुरुत्वाकर्षण। अगर मैं बोलूं गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण का होता है, केवल किसका होता है, यह वस्तुओं को केवल अपनी ओर आकर्षित करता है, बस। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, केवल आकर्षित करता है। चुंबक में क्या होता है, चुंबक उंबक में देखा होगा आपने, कभी चुंबक के एक पास आते हैं फिर दूर दूर भागते हैं, तो वहाँ पे आकर्षण भी होता है और क्या होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण कभी नहीं होता है। यानी कि अगर वस्तु है ना तो जमीन को ऊपर थोड़ी भगाएगी, नीचे ही तो लेके आएगी, ये हमेशा आकर्षण का होता है। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा कि ब्रह्मांड में जो पिंड है ना, अगर कोई दो पिंड है और इनके अंदर मास है, द्रव्यमान है, अगर पिंड हैं इनके अंदर द्रव्यमान है यानी कुछ वजन इनका है, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समझ में आई हमारी बात ना, क्या कहा, मतलब कि जितने भी ब्रह्मांड में पिंड हैं, अगर किन्हीं दो पिंडों को ले लिया जाए, तो अगर वो मास है उनके अंदर द्रव्यमान है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तीसरा आएगा वो अभी इनसे इनसे, मतलब कि सबका, जितने ब्रह्मांड में पिंड है सब आकर्षित कर रहे हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये मार्कर को आकर्षित कर रहा है, लेकिन अब तुम सोचोगे क्यों चपक नहीं रहा है, दिक्कत है ना, तो बताता हूँ, परेशान बिल्कुल ना हो। तो ये बात समझ में आई ना कि अगर वस्तु में द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, अगर दो वस्तुएं हैं उनमें द्रव्यमान है दोनों में, तो गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, दोनों में द्रव्यमान का होना जरूरी है, यह न्यूटन साहब ने कहा था। और अभी आगे जैसे हम चलेंगे हमारी बातें और क्लियर होती जाएंगी, तो आप बस ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। अब क्या लिखा है कि न्यूटन ने इसके संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या बोलते हैं, इसके संबंध में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे बोलते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं, समझ गया ना। न्यूटन साहब ने क्या कहा, ब्रह्मांड में अगर मतलब कि दो पिंड हैं उनके अंदर मास है, तो वह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इसी मतलब कि और यहीं से न्यूटन ने क्या बना दिया, इसी गुण को लेकर के न्यूटन ने क्या बना दिया, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया। इस नियम के अनुसार,
इस नियम के अनुसार क्या कहा न्यूटन साहब ने, देखो पहली बात इन्होंने कहा न्यूटन साहब ने कि दो पिंडों के मध्य काम करने वाला आकर्षण बल, मास होना जरूरी है कि नहीं, दो पिंडों के मध्य काम करने वाला आकर्षण बल जो होता है वह दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समझना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, न्यूटन साहब ने क्या कह दिया कि पहली बात बोल दी कि इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है ना वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात मास जितना ज्यादा होगा बल उतना ज्यादा होगा, वही तो अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी बात बोल दी कि इनके बीच जो लगने वाला बल है ना, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी चलो मान लो आर है, तो जो मतलब कि कह सकते हो जो इनके बीच लगने वाला बल होगा ना, इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। या न्यूटन साहब ने कह दिया कि अब न्यूटन साहब ने देखो शुरुआत में क्या कहा कि अगर दो मतलब कि वस्तुएं हैं, मास इनमें है, तो आकर्षण काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा, और जो आकर्षण बल है ना दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी कम होगी तो बल बढ़ेगा, समझ गया ना, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, समझ गया हमारी बात ना। इन दोनों को जब मिलाओगे ना तो पा गए F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटे R का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर एक मान लिया जाए, इसको दो मान लिया जाए, तो हम बोलेंगे एक व दो से क्या बोल देंगे, F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बटे R का स्क्वायर बोल देंगे। प्रोपोर्शनल पे काम होता नहीं, एक कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे आ जाएगा F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटे R का स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल G जानते हो क्या है, कैपिटल G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान देना थोड़ा सा कि यह जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कभी भी बदलता नहीं है, चाहे हवा में, चाहे पानी में, चाहे आकाश में, चाहे पाताल में, कहीं भी ना। ये इस जी का मान जो होता है, अभी जान लो, जी का मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10^-11, और मात्रक क्या होगा, जी को इधर रन दो बाकी को उधर भेज दो, तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ऐसे न्यूटन मीटर का स्क्वायर और प्रति किग्रा का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे कैसे निकाला, देखो यह बराबर क्या है, जी एम वन एम टू बटे आर का स्क्वायर। तो ऐसे कर लो आप, ये हो जाएगा जी बराबर एफ आर का स्क्वायर बटे एम वन इंटू एम टू। यानी कि जी का मात्रक बराबर एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन, आर का मात्रक दूरी है, मीटर का स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लगा है, या इसका भी किलोग्राम, किलोग्राम प्रति किग्रा का स्क्वायर। तो जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, और जी का मान कितना होता है, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10^-11। यह एक ऐसा कॉन्स्टेंट है कि जो कहीं नहीं चेंज होता है, हमारी बात समझो, चाहे आप पानी में वस्तुओं को रख दो, चाहे आप आकाश में, चाहे पाताल में, कहीं भी रख दोगे ना, इस जी का मान चेंज नहीं होता है, माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। अतः देखो, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल किसी भी माध्यम में रखा हो, बल कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, बराबर होगा। देखो कैसे होगा, मान लो दो वस्तुएँ हैं, दो वस्तुएँ हैं, इनको हमने हवा में रखा है, ये अभी M1 मास का, अभी M2 मास का है, अगर हवा में रखा है तो इनके बीच आकर्षण बल काम करेगा, सूत्र मिल गया है भाई, यहीं से निकाल लेंगे। और अगर इनको पानी में रख दोगे ना, तब भी तो वही द्रव्यमान, वही द्रव्यमान, वही जी का मान, वही आर का स्क्वायर, उतनी दूरी में हवा में रख दो, उतनी दूरी में पानी में, उतनी दूरी में तेल में रख दो ना, हर जगह बल क्या लगने वाला है, बराबर लगने वाला है। और एक बात और जानिए जरा,
हाँ आपने लिखा भी है ना, इसका मान कणों तथा इसका मान कणों की प्रकृति तथा उनके बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। किसी माध्यम में रखे हो, अग्नि वायु जल मिट्टी आकाश कहीं भी रखे हो ना, सब में बराबर बल काम करेगा। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, यह बराबर जी एम वन एम टू बट्टे आर का स्क्वायर। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसका मान कितना होता है, 6.61 मल्टीप्लाई बाई 10⁻¹⁺ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखो यार आगे क्या बोल रहा हूं मैं, अब जो ये दो पिंड है ना, देखो जरा ये हमारे पिंड है, ये एम वन मास का है और ये किस मास का है, एम टू मास का है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो देखो हर पिंड का अपना एक सेंटर होता है, इसका भी अपना एक सेंटर है, कोई बात नहीं है, हर चीज का अपना एक सेंटर होता है ना, मतलब कि ये सेंटर इनका भी है, चलो कोई बात नहीं। अब जानते हो ये हवाला इन पे बल लगाता है और ये हवाला इन पे बल लगाता है, ध्यान देना मेरी बात का, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हवाला देखो, ये हवाला जो है ना इनको अपनी ओर खींचेगा और ये हवाला इनको अपनी ओर खींचेगा, चलो हो रहा है, ये अभी बल लगाएंगे ये बल लगाएंगे। देखो एक सीध मतलब कि केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यह बल काम करता है, ऐसा नहीं कि हवाला इनको इधर बल लगाएगा इधर लगाएगा इधर, ऐसा कुछ नहीं है। ये हवाला बिल्कुल एक सीधी रेखा में बल लगाएगा, ऐसा कह सकते हो केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगाते हैं। जो पिंडों के बीच लगने वाले बल की दिशा है ना, वह केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। बल की दिशा क्या है, बल की दिशा अगर कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, ठीक है ना। आप अच्छे से देख पा रहे हो, मैं देख लूँ एक बार, हाँ आप अच्छे से देख ले रहे हो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट थोड़ा सा तो समझ गया ना, जो इनकी ऐसा नहीं कि इनकी तिरछा लगाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आगे पीछे बल नहीं लगता है, लगेगा तो एकदम सीधी रेखा में यह बल लगता है, ठीक है ना। अब देखो जरा इसको मिटा दूं, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो नोट। हाँ तो आपने पढ़ा है क्या, अभी पढ़ लिया, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बटे आर का स्क्वायर। और देखो वास्तव में एक बल ही तो है इस पूरे इस बल, इसका मात्रा तो न्यूटन ही आना है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन ही होता है। तो F बराबर जी एम वन इंटू एम टू अपान आर का स्क्वायर इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, इसी पे तमाम सवाल लगेंगे। G का मान 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻¹⁰। अब देखो जरा अगर अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि सर अगर गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों को एक दूसरे की ओर खींच रहा है तो हम लोग हम वाइट बोर्ड की ओर या हम दीवार की ओर या हम कहीं और आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं, जानते हो ऐसा इसलिए हो रहा है। पहली बात तो हम जमीन से चपके हैं, पहली बात हम कहाँ चपके हैं, जमीन पे, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, घर्षण बल काम कर रहा है, ये वो हमको नहीं इनके पास जाने दे रहा है, बल लग रहा है। और दूसरी बात अब देखो जरा, यह बराबर जी का मान 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻¹⁰ मल्टीप्लाई बाई, अगर कोई कहता है कि ये हवाला पेन इस वाले मार्कर को अपने ओर आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है, हमको दिख क्यों नहीं रहा है, तो इसकी सीधी सीधी बात है, पहली बात जी का मान रखोगे, अच्छा होता इस पिंड इस पेन का द्रव्यमान इसका द्रव्यमान कितना होगा, चलो मान लो 1 किलो होगा, दोनों का मान लेते हैं, 1-1 किलो मान लेते हैं, ठीक है ना, 1 किलो इनका भी 1 किलो इनका भी, इनके बीच दूरी 1 मीटर मान लो, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर 1-1 किलो के पिंड रखे हैं, अच्छा तो इसका मात्र इसका मान कितना आएगा, ये देख रहे हो इतना न्यूटन, यह कितना बल है, यह बहुत ही कम बल है वास्तव में, और एक कह सकते हो यह बराबर 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻¹⁰ यानी कि 6.67 अपान ये हो जाएगा 1 के आगे 11 शून्य लग जाएगा ऐसे, अच्छा इनका भाग दोगे ना, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 इनका भाग दोगे ना, बहुत छोटा फोर्स आएगा, इतना छोटा फोर्स आएगा वास्तव में आपको लग जाएगा, हाँ इसीलिए हम लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ये हमको नहीं खींच पा रहा, क्योंकि इतना देखो वाइट बोर्ड के किलो का होगा, 5-6 किलो का होगा, मैं 50 किलो का आऊँगा फिर भी इतना इतने छोटे क्वांटिटी गुणा कर दोगे ना, बहुत छोटा फोर्स आएगा वहाँ पर, अट्रैक्शन ही कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, यानी कि आकर्षण तो होने वाला ही नहीं है। तो मैंने बोला
से ना कि मतलब कि गुरुत्वाकर्षण अगर पिंडों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो दैट टाइम इसका मतलब यह बिल्कुल मत समझना कि हम एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों हो नहीं हो रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस फोर्स का मान यार बहुत कम है। मैं फ्रिक्शन, जमीन की फ्रिक्शन ने मुझे पकड़ के रखा है और इनके इनके बीच इतना छोटा बल काम कर रहा है तो कहाँ हूँ, कुछ नहीं होने पाएगा, ठीक है ना। और गुरुत्वाकर्षण बना है दो शब्दों से मिलकर के, गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण कैसे बना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण से बना है, यानी कि पिंडों के आकर्षण या पिंडों के आकर्षित करने के गुण को बोलते हैं गुरुत्व। क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। पिंडों के आकर्षित करने के गुण को, पिंडों के आकर्षित करने के गुण को गुरुत्व बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो गुरुत्व है ना ये एक मतलब कि पिंडों की प्रॉपर्टी है कि अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, और पिंडों की प्रॉपर्टी की अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो बच्चों हम लगाएंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, अब लगाते हैं का सवाल, देखते हैं क्या सवाल में कह रहा है, ठीक है ना। इसी फार्मूले पर हम लोग सवाल लगाएंगे और आपको यह फार्मूला अगर कंठस्थ है तो अच्छी बात है। तो सवाल नंबर पहला आप नीचे देख रहे हो क्या लिखा है, सवाल नंबर पहला लिखा है 20 किलोग्राम व 30 किलोग्राम के दो गोले। सॉल्यूशन देखो, पहले हम सवालों में क्या लिखते हैं, दिया है, क्या लिखा है, दो गोले हैं। मैं फिगर भी ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे दूसरा गोला है। इसका मान मान लेते हैं M1 बराबर 20 किलोग्राम दिया है और इसका मान M2 बराबर कितना दिया है, 30 किलोग्राम। हमारे पास दो गोले हैं, एक का मास 20 किलोग्राम है, एक का मान 30 किलोग्राम है, सारे मात्रक ऐसा ही होने चाहिए, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है कि जो एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखे हैं, अगली बात क्या है, इनके बीच की दूरी जो है ना r बराबर है एक मीटर, इनके बीच की दूरी r बराबर क्या है, एक मीटर की है, कोई बात नहीं है। आरोपित गुरुत्वाकर्षण मान बताना है जी, ये तो छोटा मोटा सवाल है। अब देखो क्या बोला हमने, हमने दिया है, पढ़ा है ना, ये बराबर क्या होता है जी M1 M2 बटे r का स्क्वायर। g की वैल्यू तो सबको याद होगी, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -11। M1 का मान कितना है, 20 किलोग्राम, M2 का मान कितना है, 30 किलोग्राम, और बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब यह कितना आएगा, यह आएगा 20 में 30 उड़ा करोगे आएगा 600 गुड़े 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 11, इसका मानने का आएगा, कोई फायदा नहीं लिखने का। अब ये जानते हो ए दो जीरो इनको दे दो तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पे आएगा माइनस का 9, ये गुड़ा करो से 6.742 के तो हासिल 4, 6.36 4.40 6.36 4.40 ये आएगा -9 न्यूटन। या फिर कह सकते हो 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -8 न्यूटन लगभग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा सवाल आपको समझ में आया होगा, कुछ है नहीं सवाल में, दम कमी नहीं तो मैं क्या करूं। और अगर हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दो यस सर समझ में आ गया, आप परेशान मत हो। अब देखो यार अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है 32 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति बोल रहा है। अगला सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, आप नीचे सवाल पढ़ो, मतलब कि एक व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान कितना है, M1 बराबर चलो मान लो 32 किलो का व्यक्ति है, बोल रहा है जमीन के तल पर बैठा है, या कहाँ बैठा है, जमीन पर बैठा है, ये हमारी अर्थ है, ये जमीन पर बैठा है, ठीक है ना। और बोल रहा है व्यक्ति तथा पृथ्वी के मध्य आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल बताना है, यानी कि यहाँ भी आपको एफ का मान बताना है, ठीक है ना। और कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि अर्थ का मास दिया है 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 24 की ग्रा, ठीक है ना। और क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या वो अभी दी गई है 6.37, आर का मान है 6.37 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -6 अरे +6,
और जी का मान वही है, ठीक है ना, मीटर। अच्छा एक बात और सुनो जरा, अगर हम दो पिंड पीछे जो सवालों में लिया करते थे, ये वाला पिंड और ये वाला पिंड, तो ये जो दूरी थी ना, ये केंद्र से लेकर केंद्र तक की थी। अगर आप सोच रहे हो कि सर हम जमीन पर ही बैठे हैं, ये जमीन है, या मैं हूँ, तो इनके बीच की दूरी इतनी कहाँ हो पाएगी, इतनी बड़ी नहीं, केंद्र की बात होती है। अगर दो पिंड है, पृथ्वी एक पिंड है और तुम भी एक पिंड हो, पृथ्वी के केंद्र से लेके आपकी दूरी, ये है नापी जाती है, समझिएगा हमारी बात को। सारी दूरियां कहाँ से होती है, केंद्र से लेकर केंद्र तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं, केंद्र से लेकर केंद्र तक, ये दूरी बन जाएगी। अब ये बराबर क्या होता है, जी एम वन एम टू बटे आर का स्क्वायर। तो जी का मान 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10^-11, सारे एसआई मात्रक है। एम वन का मान कितना है, 32 किलोग्राम। अर्थ का मास कितना है, एम टू कह सकते हो, यही है इसका मान है 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10^24 kg है। और इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो अभी दो बार लिखना पड़ेगा, यह भी दो बार लिखना पड़ेगा, और यह भी इतनी बार लिखना पड़ेगा, दो बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसे इनको कह सकते हो, गुड़ा भाग भैया आपका काम है, मैं नहीं करूँगा, बहुत पढ़ा है मैंने आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक लाइनर बढ़ाता हूँ, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 6। अब ये देखो 24 और 11 घट जाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13। और ये वाला ऊपर जाएगा 10^13 - 10^12, 10^1 आएगा। अब इतना मैंने कर दिया, आगे आप करो, हमारे कमेंट बॉक्स में इसका बता दो भैया आंसर कितना आएगा, और अभी कितना न्यूटन, न्यूटन में आएगा फोर्स है ना, न्यूटन आना तय है इसका। तो छोटा सा सवाल हमने भी लगा दिया, और एक छोटा सवाल हम लोग और लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे वीडियो को क्लोज यहीं पे। उसके बाद आपका काम होगा, अपनी किताब को उठाइए और सवाल को लगाते रहिए मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही से पूछेंगे आपको, एम वन मिलेगा, एम टू मिलेगा, पिंडों की बीच दूरी आर मिलेगी, जी का मान आपको याद है, फिर एफ का मान निकालने में क्या दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो जरा, यहाँ देखो जरा, सवाल नंबर अगला, आप सवाल नीचे पढ़ो, मैं सॉल्यूशन ऊपर लगाता हूँ, ठीक है ना, नीचे ऊपर वाला कमाल करते हैं। क्या लिखा है, लिखा है सवाल में, दो व्यक्ति जिसमें प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम है, एक दो इंसान है, देखो एक इंसान यह है और एक इंसान यह है, एम वन कह सकते हो, इनका भी द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और एम टू का मान 50 किलोग्राम है, क्या इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक है। बोल रहा है 1 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, इनके बीच की दूरी ना 1 मीटर की है, तो तुमको तो लगता होगा सर ये तो चपक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके बीच जो लगने वाला बल होगा ना बहुत छोटा होता है, अतः चपक तो पकते नहीं है, ठीक है ना, तो इस चिंता मत रही होगा। कह रहा है इनमें से एक व्यक्ति एवं पृथ्वी के बीच तथा दोनों व्यक्तियों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की तुलना करो। हो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति और पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल पहले ही निकाल लो। हम बोलेंगे एक व्यक्ति व पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल पहले में ही निकाल लेंगे। अच्छा तुलना करने वाली बात जानते हो, मान लो आपको चीनी खरीदना है, क्या खरीदना है, चीनी खरीदना है। गांव के दो दुकानों पे भैया गए, एक दुकानदार बोला भैया 50 रुपये की वो चीनी तुमको देंगे, और एक बोला हम 100 देंगे, तो क्या बोलोगे, बोलोगे दूसरे वाले दुकानदार का चीनी पहले वाले का दोगुना है। दोगुना कैसे आया, 100 भागा 50 किया तब बन दोगुना आया। तुलना करने का मतलब कि भाग दे के बताओ कितना गुना हो रहा है वह चीज। तो एक व्यक्ति व पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, या बराबर जी एम वन एम टू बटे आर का स्क्वायर। अब देखो जी का मान कितना होता है, जी का मान ऐसे ध्यान दो कट जाएगा भैया, एम वन का मान एक व्यक्ति है 50 किलोग्राम, और अर्थ का मास कितना है 6.0 × 10^24 आर का स्क्वायर। अर्थ और आदमी के बीच की दूरी दिया गया होगा, ये आपको दिया है 6.4 × 10^6 का स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है ना, ये तो हो गया, इसे ये फोन कर लो, ठीक है ना,
एक व्यक्ति और पृथ्वी के बीच लगने वाला बल निकल गया, और दूसरी बात हम क्या करने जा रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दोनों व्यक्तियों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ये कितना आएगा, F2 बराबर G। अब पहले वाले का 50 किलोग्राम, दूसरे वाले का 50 किलोग्राम, और इसको कितना बोलोगे R का स्क्वायर, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है ये भाई, तो ये आ जाएगा 2500 G, है ना। बस अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, अब तुमको कुछ नहीं करना है, खाली तुलना करना है ना। हम बोलेंगे इसलिए F1 बाई F2 निकाल, जिस हम निकाल रहे थे, तो आ जाएगा G गुड़े 50 गुड़े 6.0 × 10^24 होल का अपान 6.4, ऐसे 2 लगा दो, और इसका A वाला F2 कितना है 2500 है यही, और G है, बट एक लगा दो, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा कर लो। अब ये कितना आएगा, ए आएगा जी मल्टीप्लाई बाई 50 6.0 × 10^24, और ये कितना आएगा 2500 गुड़े जी, ए कट जाएगा, 50 पर सयम 2500 आएगा। अरे देखो गड़बड़ हो रहा है, ए वाला भुला गया ना, ये कितना आएगा अभी 6.4 मल्टीप्लाई बाई 6.4 और मल्टीप्लाई बाई 10^6 यानी कितना आ जाएगा 10^12 आ जाएगा, ठीक है। अब बुरा भाग बढ़िया से कराओ यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करोगे तो 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10^24 अपान 10^12, ये कितना देगा 10^12 हो जाएगा होल का अपान, और ये कितना है हमारा 50 गुड़े 6.4, इसको सॉल्व करो जितना आएगा उतना गुना, पृथ्वी वाला ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी वाला ऊपर चल रहा है ना, तो जो ज़्यादा वाला ऊपर चल रहा है तो ज़्यादा वाला ही बताएगा, तो यानी कि जितना आएगा बोलना कि आदमी आदमी के, यानी कि आदमी और पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आदमी आदमी के बीच लगने वाले आकर्षण बल का इतना गुना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि छोटा सा हमारा वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो हमको आप कमेंट बॉक्स में बताया तो भैया की समझ में आ गया, ताकि मैं भी रिलीफ फील करूं, और मज़ा तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप एक बार फिर से मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।